dear students, i am your teacher, rajat Tahir teacher government UPS school well, ramazul mawar. Uh, this is class 8 and the subject is uh, science and the topic is reaching the age of adolescence. Uh, uh, today we will uh, uh, start this topic again. we will start discussing on this topic again. and uh, today we will see the reproductive phase of life in humans and the related things with this. And these students understand uh, what is this adolescence, what is puberty and what are the changes which took place during puberty, age of puberty and what were the secondary sexual characters and so on. एंड टूडे ट्राई टू लर्न लर्न सम इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ दिस मेन टॉपिक तो रेप्रोडक्ट फेज जो है ये ह्यूमनजम है ये हमने आपको एक्सप्लन किया मैं थोड़ा और एक आपको बताता चलूँ कि ये दस uh, से बारह साल से शुरू हो जाता है यानी एज ऑफ एस जो है वहाँ से शुरू होना हो शुरू हो जाता है और फोर्टी तो फाइव से फिफ्टी इयर्स तक ये, ये ये चलता रहता है ख़ासकर हम वुमेन्स की बात करें फीमेल्स में तो फोर्टी फाइव से 40 फिफ्टी इयर्स की एज तक ये जो रिप्रोडक्ट फेज़ है ये जो प्रोडक्ट साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है तो इस फेज़ में कभी भी ये कंसीव कर सकते हैं यानी कभी भी ये प्रेगनेंसी को अटेंड कर सकते हैं यानी कि वो फुली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं तैयार होते हैं सेक्चुअली भी और सेक्चुअली कि ये एक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें गुड तो आ, ये कैपेबिलिटी रहती है इनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने की तो यहाँ इसमें हमने देखा कि इसमें हम फिर मेनस्ट्रेशन के बारे में देखा कि जो मंथली जो ब्लड सर्कल्स है वो भी हमने एक्सप्लेन किया आपको और ट्वेंटी एट थर्टी डेज का ये जो साइकिल रहता है जिसमें पीडियस रहते हैं कुछ दिनों में वो ब्लीडिंग रहती है तीन या दो तीन या चार दिन भी रहती हैं ये ब्लीडिंग किसी किसी में तो इसको हम मनिस्ट्रेशन कहते हैं और ये ये जो और हमने ये, ये भी बताया कि जब ये प्यूबर्टी जो पहला जो साइकिल होता है पहला जो ये ब्लड फ्लो रहता है फीमेल में पहली जो ये जो मिनस्ट्रेशन होती है यानी ये पहली जो माहवारी होती है उसे हम मीनादी कहते हैं और जब ये ए, 45 फाइव और फिफ्टी 45 फाइव से फिफ्टी इयर्स की एज अटेन कर लेते हैं गर्ल्स या ये जो वुमन या औरतें तो उन्हें फिर यह कहा कि फिर ये साइकिल रुक जाता है ये जो ब्लीडिंग रुक जाती है उसे हम मैन ऑफ कहते हैं तो कहती हैं तो हो गया ये विल सी हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइनेड तो हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो uh, बेबी का जो सेक्स है ये क्या है सेक्स मतलब ये बॉय है या गर्ल ये कैसे बनता है मतलब अगर आ, किसी कभी लड़की पैदा होती है कभी लड़का पैदा होता है तो ये किसी ये चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड रहती है तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैं आपको अच्छी तरह से अंडरस्टेंड करूँगा तो ये देखिए ये जो आ, हर आ, जो ये क्या कहते हैं इसे ये मेल या फीमेल है जब ये इनकी जो जब ये इंटरकोर्स होता है जब ये इनकी मैटिंग होती है जब तो एक जब ओवा और ये एज स्पर्म यानी मेल मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जिनकी आपस में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक सिंगल न्यूक्ली बनाते हैं तो जो यह जो हमने पढ़ा जो हमने आपको अंडरस्टैंड भी करवाया है तो फिर उसका फर्टिलाजन के बाद जयगोड फार्मेशन होती है जयगोड फार्मेशन के बाद फिर एम्ब्रियो फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है एक वेल डेवलप फीट्स में देन उसकी बर्थ हो जाती है तो एक नया बेबी जन्म लेता है तो ये हमने आपको अंडरस्टैंड किया हुआ है तो अब आ, हम ये कहेंगे यहाँ पे ये जब जब ये ज़िव ये, आ, ये जो जायगोट है इसमें इसकी जो इंस्ट्रक्शन रहती है यानी अब ये जयगोड को बॉय में कन्वर्ट होना है या गर्ल में कन्वर्ट होना है तो ये किस चीज की के ऊपर दिपे, डिपेंड रहते हैं ये किस चीज़ पे फॉलो करके बन जाते हैं तो यही हम इसी में वो सब छुपा है ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगा क्योंकि ये के इस, ये जो ये जो न्यूक्लियर होते हैं हर सेल की जो न्यूक्लियर होती है उनमें एक कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मैं आपको इस तरह समझाऊँ इस तरह के थोड़े थ्रेड लाइक छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे मैं बनाऊँ इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं क्रोमो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे यानी कि जब पंदाव ही तो इन्हीं यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो इन में क्या कहते हैं इनमें ये एक, एक जे, जेनेटिक मटेरियल रहता है इनमें इन इस हम जिसे हम डीएनए कहते हैं डीएनए कहते हैं तो ये फर्टिलाइज क्रोमोजोम एग होता है आ, इसके जो न्यूक्लियस है उसके हर सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोजोम होते हैं तो इनमें डीएनए एन रहता होता है तो ये कितने होते हैं ये क्रोमोजोम तेरा ट्वेंटी थ्रू थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री पियर्स ऑफ क्रोमोजोम तो त्रबीस पियर क्रोमोजूम्स हो, होते हैं इन द न्यूक् ऑफ सेल्स तो इनके जो न्यूक्लियर इंसानों के जो न्यूक्लिय के इनके सेल्स में सेल के जो न्यूक्लियर होते हैं एक सेल है सब मैं समझाऊँ सपोज लेट्स कंसिडर दिस सेल ये एक सेल है तो इसका जो अंदर ये न्यूक्लियस है तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजूम्स होते हैं क्रोमो तो कितने होते हैं ये 23 थ्री पीयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 थ्री पीयर्स ऑफ क्रोमोजोम तो ये तो हो गया ये तो इन में से इन ट्वेंटी को ये हम ये समझेंगे कि ये जो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें ट्वेंटी थ्री पीयर्स से ये जो न्यूक्लियस नु, है न्यूक्लिया इनमें ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं तो इन क्रोमोसोम्स में इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि इसमें yes, सिर्फ तो दो दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं सेक्स है। और जो बाकी बचते हैं रिमेनिंग वो आटोसोमस होते है। हैं उन्हें हम आटोसोमस कहते हैं तो हमने ये यहाँ पे ये देखा कि ट्वेंटी थ्रू पीयर जो क्रोमोजोम्स होते हैं जिन बि जिन पे सब ये डिपेंड रहता है कि बॉय बनेगा या ल, गर्ल बनेगा तो ये कितने होते हैं ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन न्यूक्लिया ऑफ द ह्यूमन सेल्स तो इन में से इन ट्वेंटी थ्री पीयर्स में से सिर्फ टू क्रोमोज जो, जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा तो क्या होता है अब हम ये कहेंगे कि बॉय कैसे बनता है गर्ल कैसे बनता है तो मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ अब चूंकि यहाँ पे हम ये मेल है समझो ये मेल है और ये फीमेल है फीमेल है ये मेल और ये फीमेल है ये इन मेल में जे ये जो ये जो, आ, जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं इनमें एक तो यहाँ पे मैं बताता आपको चलो जिससे दो सेक्स क्रोमोजुमोज हो, होते हैं इनमें एक होता है एक्स दूसरा होता है वाई ये जो दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं इनमें एक एक्स होता है और दूसरा होता है वाई यानी कि दो में से एक सेक्स है एक्स है और एक वाई है तो क्या है जो मेल है अल्लाह ताला ने जो मेल है इनमें से एक एक्स है और एक वाई है लेकिन जो फीमेल है इनमें दोनों जो सेक्स क्रोमोजोम से हैं वो सिर्फ एक्स और एक्स है आप समझ गए यानी हम ये समझ लेंगे ये हम ऐसे ऐसे सम, समझेंगे कि हर न्यूक् ऑफ ह्यूमन सेल में ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं गुड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में ये ट्वेंटी 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 थ्री ट्वेंटी थ्री पेयर सब सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं तो उन ट्वेंटी थ्रोज में दो सेक्स क्रोमोजोम मेल में भी है दो सेक्स क्रोमोजोम फीमेल में भी है समझ गए लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क ये है कि जो मेल है इन में जो दो क्रोमोज़ोम होते हैं उनमें एक होता है एक्स एक होता है वाई तो दूस एज कंपेर टू फीमेल फीमेल में जो दो क्रोम होते हैं उनमें होते हैं सिर्फ एक्स और एक्सो इस हम ये समझ लेंगे जो वाई का फैक्टर है वो इस फीमेल में नहीं इनमें सिर्फ एक्स और एक्स है समझ गए अंडरस्टैंड तो यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे जो आ, मेल का जो स्पर्म है मैं आपको एक और अंदाज़े से समझाने की कोशिश करूंगा। हम ये समझेंगे जो मेल का जो सिपर्म होता है इसमें दोनों होते हैं ये ए, एक्स और वाई और जो फीमेल का जो एग होता है उसमें सिर्फ एक्स और एक्स होता है तो क्या हो जाता है जब ये दो मिल जाते हैं ये ये सपर्म और ये एग यान कि जब फर्टिलाइजेशन होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या हो जाता है यहाँ से अगर उस वक़्त ये एक्स मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिल गया यही यहाँ पे यही इसका फंडा है कि यही इसका जो वजह है रीज़न है कि बॉय होगा या गर्ल होगा क्योंकि कुदरत ने ये एक नेचुरली है और ये कुदरती एक निजाम है तो इसमें जो है जो बॉय बनने की जो कैपेबिलिटी होती है यानी कि लड़का पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है यानि कि जब ये आपस में मिल जाएंगे अगर यहाँ से इस इस मेल का एक्स और इस फीमेल का एक्स फीमेल में चूंकि दोनों एक्स है अगर ये एक्स और एक्स मिल गए अगर सपोज मैं यहाँ बताऊं बताऊँ ये एक्स और ये एक्स आपस में कंटेक्ट हो गए ये लक चांस भी है लक पे डिपेंड करता है तो कुदरती निज़ाम है तो यहाँ पे गर्ल पैदा होगी गर्ल राइट और यही अगर इस इस फीमेल का मेल का वाई और इस फीमेल का एक्स चाहे ये एक्स हो या ये एक दोनों में से एक तो जब अगर ये वाई और ये तो ये बन गए एक्स वाई या वाई एक्स या वाई एक्स एक्स वाई या वाई एक्स तो ये बन जनाब भी बॉय पैदा होगा यानी कि लड़का पैदा होगा तो इट मींस जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिपेंड्स ऑन द सेक्स क्रोमोजोम And we know, we came to know, we now, we can understand now that only and only male is responsible for uh, producing boy or girl. Chunke यहाँ पे जो है सिर्फ मेल में एक्स और वाई के फैक्टर है फीमेल में सिर्फ वाई एक्स और एक्सी है यानी कि फीमेल में सिर्फ गर्ल के प्रोड्यूस करने के ही करेक्टर्स मौजूद होते हैं इनके क्रोमोसोम्स में तो इस पे इसमें लेडीज़ का यानी फीमेल का कोई रोल नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ मेल पे ही डिपेंड करता है कि उसका एक्स फैक्टर एक्स वाला क्रोमोज़ोम एक्स इस पे इस साथ मिलेगा या वाई इसके साथ मिलेगा तो ए, ये तो हो गया ये अब हमें पता चला कि ये जो बॉय या गर्ल ये किस बेसिस पे पैदा होते हैं तो ये तो हो गया ये इन इस दौरान हारमोनस का बड़ा इम्पॉटेंट रोल रहा है रहता है जो हमने कहा कि मेल्स में जो टेस्ट्रोम हारमोन पैदा होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है तो उनका जो बैग्स है वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लास में, में इन अंडरस्टेंड किए हुए हैं तो ये तो हो गया ये तो इसके अलावा सेक्स हारमोनस के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ बाकी कुछ हारमोनस होते हैं तो ये बाकी कुछ हार्मोन्स है यानी बाकी कुछ इंडोक्रीन हारमोनस है तो वो क्या है थोड़ा उनके बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो हारमोनस है जैसे हमने सेक्स हार्मोन्स में देखा कि टेस्टोस्टेरोन और जो ओरिज है वो प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस करती हैं प्रोड्यूस टेस्ट्रोन और इन सब का जो कंट्रोल है वो इस पिचुट्री हार्मोन की गलै जो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उस पे ये ये डिपेंड करता है उनके आर्डर्स को फॉलो करके वो एक्टिवेट रहते हैं बहरहाल इन सेक्स हारमोनों को छोड़कर हमारी बॉडी में कुछ और भी इंडोक्रीन हारमोनस मौजूद है तो इन में से एक तो एक तो पिचुएट्री ग्लैंड तो है ये भी एक इंडोक्रीन हारमोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है और एक तो ये है थायराइड ग्लैंड है जो हमने आप इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड है जो कि जिससे हम लेरिंग्स के पास से मौजूद रहता है जिससे थायराइड निकलता है तो ये भी एक ये जो इंडोक्रीन ग्लैंड है, है जो था ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो इसके अलावा एक और ये जो इंडोक्रीन ग्लैंड हमारी बॉडी में है वो है एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड और ये एड्रेनल ग्लैंड है इसकी जो लोकेशन है इसकी जो पोजीशन है हमारे बॉडी में यह हमारी किडनी के ऊपर रहता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाई यहाँ किडनी के किडनी के ऊपर रहता है यानी किडनी के ऊपर जी ग्लैंड है जिसे जिसे हम एड्रीन ग्लैंड कहते हैं और ये हार्मोन एड्रीन प्रोड्यूस करता है और ए, इसके अलावा पैनक्रियाज एक दूसरा ग्लैंड हमारी बॉडी में रहती पेनक्रियाज ये पोह वन पे लब, -लब आज भी जिसे हम कहते हैं तो ये लब लब तो ये ये, ये, ये ये इसे हम ये के लिवर के शकल का एक एक और ये जो ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी में रहता है उसे हम पेनक्रियाज कहते हैं यानी कि आपको क्रहन माज गो लिवर लिवर बगैर से लिवर से ही ब्याह सो तो इस यूज़ सो आसान चु तो या तो नो हो ना पो हो ना चु तो सु सुटाच माने स्पैन क्रीयर्स सुचक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आई बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करा छु तो शिए द पोजीशन ऑफ द ओरी इन द फीमेल लिगेय यस पूछ तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था ये थे कुछ इंडोक्रीन ग्लैंड्स अदर देन सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स तो हो ही तो गए ये हाँ इसमें हमने देखा कि जो थायरय ग्लैंड है वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है था, वो थाइराजी प्रोड्यूस कर था। जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम थाक्जीन है यानी कि थेराइड ग्लैंड जो हार्मोन का प्रोड्यूस करता है उसका नाम थाइराकजी है और वो हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो गईटर यानी कि शंड ये वन हटिस नीच गगुल खसान थोद उसके खतरे रहते हैं यानी कि शंड गिक खतरे रोजा तो अगर में कमी ग इतन जो हमारे जो आपने देखा हुआ कि हाँ आजकल जो जो बीमारी ज़्यादातर लग पाई जाती है मोटापे की वजह से जो ज़्यादा बीमारियाँ डायबिया ज़्यादा शुगर जिसे हम शुगर हैं बीमारी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में आम लैंग्वेज में आप वो जो नामनेट हो गई वो लैंग्वेज में उसका नाम शुगर जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं तो डायबिटीज़ तो क्या होती है कि हमारी जो जो पेनक्रियाज़ है ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और सफिशेंट कॉन्टी क्वान्टिटी में, में अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में हम उसे हम अब शुगर कहते हैं कि शुगर की बीमारी कहते हैं तो ये इसलिए ये पेनक्रिया पेंक्रियाज जो एक ग्लैंड है एंड एंड्रीन गलैंड हमारे बॉडी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आ, आ, ये सॉरी पेनक्रियाज नहीं ये आ, बिल्कुल पेनक्रियाज जो एक आ, इंडोक्रीन ग्लैंड है हमारी बॉडी में और वो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से ही ये जो डायबिटीज की बीमारी से हम बच बचते हैं दूर रहते हैं अगर ये इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है या किसी के तरह की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बीमारी लाख हो जाती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं तो इसके अलावा हमारी बाड़ी में एक एक और इंडोक्रीन ग्लैंड है जिसे हम आ, इस जिसे एड्रेलिन कहते हैं ये एड्रेनल ग्लैंड है यहाँ पे जो हमने अभी किडनी खेड़, पे हमने आपको दिखाया तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे हम एड्रेलिन कहते है, हैं एड्रेलिन कहते है, हैं एड एड्रेना आप मैं आपको थोड़ा प्रोनासीट करूँगा एड्रेनलिन एड्रेनलिन ये एक ऐसा हार्मोन है ये कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड तो ये हमें हेल्प करता है जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है तो ये हमें वरीड होती है हम शेर में गुस्सा आता है या बाकी चीज़ें तो इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है तो थायराइड और जो एड्रेनल है यह जो आपने हार्मोन्स सक्रियट करते हैं जब ये तब अपने हारमोन सेक्रेट करेंगे जब इनको ऑर्डर आएगा जब इनको सिग्नल आएगी पिचविट्री ग्लैंड से यानी पिचविट्री ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड बॉडी में तो ये वहाँ से जब हमें इनको सिग्नल मिलती है तभी एक्टिवेट हो जाते हैं पिचविट्री ग्लैंड यानी जो इसमें ग्रोथ आ, जो पिचविट्री ग्लैंड है ये आ, एक ग्रोथ हारमोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक इंसान की नॉर्मल ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉटेंट होता है तो हार कुल मिला के हमने ये देखा कि जो हारमोनस का है काफ़ी खासा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है हमारी बॉडी में हमारी जो ह्यूमन जो बॉडी है तो इसमें चाहे वो सेक्स हारमोनस हो चाहे वो बाकी इंडोक्रीन हारमोनस या बाकी हारमोनस हो इनका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है हमारी बॉडी पर तो ये तो हो गया ये हारमू तो इसके अलावा जो रोल ऑफ हारमू एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ जो इंसेक्ट्स है या कुछ फ्रॉग्स के फ्रॉग इन मेंढक में भी या कुछ इंसेक्ट्स में भी इन जो ये जो हारमून्ज है इनका काफ़ी रोल रहता है जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रॉग है फ्राग मडक यानी मी गट वन अत म गडिस हारमोोन हू बड़े इमपार्ट रोल रोज फार एक्जामपल इथा अूम बॉडी थायराइड मौजूद थाकजी से पोडूस कर इन फ्राग थायराइड हारमोन थड गड मौजूद तो प्रडूस क तो वो तो कि फ्राक जान स लाइफ सैकलस पे अगर वापस गो तुच्छ लारवा पेडपोल एंड टका जो एक चेंज आ जाती है एक ड्रस्टिक चेंज हो जाती है वैन द टड पोल गट्स कन्वर्ट इन फ्राक देटेट चेंज सज कल्ड मैटामारफाज तो इस मैटाफ में भी इस हारमोनज का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है खासकर थायरोक्सिन और का इनमें काफी इम्पेक्ट रहता है फ्राग में हम की की मैं बात कर रहा हूँ तो इन कुछ इंसेक्ट्स में भी इंसानों की तरह ही इन हारमोन का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है देन वी विल सी द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अभी तक हमने जो ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इसके बारे में हमने कम्प्लीट जो लर्न किया तो अब इस इन चीज़ से प्रोडक्ट हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें इसको ठीक ठाक रखने के लिए इनको हेल्दी रखने के लिए हमें मेंटली भी फिट रहना चाहिए और फिज़िकली भी फिट रहना चाहिए तो इस चीज़ के लिए एक तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है और एक प्रॉपर डाइट लेना है तो इसमें खासकर प्रोटीनशियस विटामिन से भरपूर डाइट्स डाये, लेने और खासकर हाइजीन का एक इम्पॉर्टेंट ख्याल रखना है खासकर जो गर्ल्स है वगैरह है जी जो जो प्यूबर्टी का पीरियड है टीन का पीरियड है इसमें इनमें हाइजीन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है तो उसको साफ हाइजीन मीन्स अपनी बॉडी को साफ सुथरा और क्लीन रखना तो इसका भी ख्याल रखना है तो इन जे और बैलेंस डाइट एक मकमल मकवी गज़ा लेते रहना है जिसमें दाल है रोटी है गोश्त है मछली है विटामिन से भरपूर है मिनरल्स है मिनरल्स है या कुछ मिल्क है या विजिटेबल्स लीप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो इस जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है तो इनमें इससे इनकी वजह से ये एक फिज़िकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं और हाइजीन के साथ साथ हाइजीन का भी ख्याल रखना है ताकि किसी तरह का बैक्टीरियल या इन्फेक्शन ना हो चूँकि खासकर गर्ल्स में कलिनस जो खासकर जो मिनिस्ट्रल पीरियड्स होते इन्हीं में इसके दौरान हाइजीन का खास ख्याल रखना है ताकि कि किसी तरह के बैक्टेरियल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व ना हो तो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट दिस this topic reaching the age of adolescence and today we completed it and inshallah from tomorrow we will do the exercise portion of this chapter and till then it's goodbye from me assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh